अजमेर के दयानंद कॉलेज में प्राचार्य व छात्र संघ अध्यक्ष सीताराम चौधरी के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज एक बार फिर दोनों के बीच भयंकर झपड़ हुई और इस झपड़ के दौरान प्राचार्य ने छात्र संघ अध्यक्ष सीताराम चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके चलते सीताराम चौधरी ने भी वापस हाथ उठा दिए और कॉलेज में हंगामा हो गया। कॉलेज शिक्षकों व छात्रों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग अलग साइड में कर मामला शांत कराया और इसकी सूचना रामगंज थाने में दी। छात्र संघ अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने प्राचार्य द्वारा थप्पड़ जड़ने का मुकदमा दर्ज कराया तो वहीं प्राचार्य ने भी सीताराम पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। मामला कॉलेज परिसर में केक काटने को लेकर बिगड़ गया। आज छात्र संघ अध्यक्ष सीताराम चौधरी का जन्मदिन था और इसी जन्मदिन को वह अपने कॉलेज परिसर में अपने साथियों के साथ मना रहे थे, तभी प्राचार्य वहां पहुंचे और उन्होंने कॉलेज परिसर में जन्मदिन मनाने से इनकार कर दिया। इस बात से दोनों के बीच झपड़ हुई और झपड़ हाथापाई में बदल गई। फिलहाल दोनों ही एक दूसरे पर आरोप व प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन कॉलेज में इस तरह की घटना विद्यार्थी और शिक्षक के बीच विरोधाभास पैदा कर रही है, जिसे लेकर उच्च अधिकारियों को एक ठोस कदम उठाना होगा, जिससे कि इस तरह के वाक्य अन्य संस्थाओं में नहीं देखने को मिले। डीएवी कॉलेज में इससे पहले भी विद्यार्थियों व प्राचार्य के बीच कहासुनी व हाथापाई जैसी नौबत आ चुकी है। ये डीएवी कॉलेज में आज मैं अपने राउंड पे था तो मुझे किसी ने बताया कि कॉलेज में कुछ विद्यार्थी बर्थडे मना रहे हैं और केक काट रहे हैं, और जबकि हमने ये नियम बनाया हुआ है कि कोई भी विद्यार्थी कॉलेज परिसर में इस तरह से केक नहीं काटेगा और बर्थडे अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो अपने प्राइवेट घर पे या कहीं पे कर सकते हैं, कॉलेज परिसर में हम बर्थडे मनाने नहीं देते किसी को। तो जब मैं राउंड पे गया तो सीताराम चौधरी अपना खुद का बर्थडे मना रहा था और साथ में 40-50 बच्चे इसके साथ थे, वो जो उपद्रव कर रहे थे और शोर शराबा कर रहे थे। मैंने जाकर इनको बोला कि भैया ये अलाउड नहीं है कॉलेज में, तो आप प्लीज यहां से चले जाओ। तो ये मुझे कहते हैं कि हम तो केक यहीं काटेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते, आपको जो करना कर लो, और इन्होंने केक काटना शुरू कर दिया। फिर मैंने इनको बोला कि ये आप गलत कर रहे हो, आप फिर एक्शन होगा। तो ये इसने मुझे जो केक काटा हुआ था ये मेरे मुंह पर केक मार दिया इसने, और फिर मुझे धमकी दी है कि मतलब कि आपको देख लेंगे हम और आपको वापस भेजेंगे जहां से आए हो। तो इस तरह का व्यवहार जो बहुत ही अनुचित है, और मैं तागीद करता हूं सभी बच्चों से कि ऐसा व्यवहार कॉलेज में सहन होगा नहीं। आज तो मैं प्रिंसिपल हूं, ये टीचर को क्या समझते होंगे क्लास में, और अपने घर में माता पिता की क्या इज्जत करते होंगे अगर अपने गुरु और अपने टीचर के साथ इनका ये व्यवहार है। तो सीताराम ने मेरे ऊपर केक जब फेंका तो मैं क्या करूं, मैंने इसको बोला अब तुम यहां से चले जाओ, और इसको मैंने भगाने के लिए धक्का दिया होगा, लेकिन थप्पड़ मारा और इसने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया है। और जब आप आत्म सुरक्षा में और आपके सम्मान के ऊपर अगर कोई चोट कर रहा है तो उसमें इस तरह की गतिविधि हो जाती है। मुकदमा दर्ज कराएंगे और हर हाथ तक जाएंगे जहां तक जाना होगा, हमें चाहे हमें हाईकोर्ट में जाना पड़े, चाहे कलेक्टर ऑफिस में जाना पड़े, चाहे हमें मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाकर अपनी प्रार्थना रखनी पड़े, हम हर हद तक जाएंगे। विद्यार्थियों द्वारा इस तरह का उपद्रव कभी सहन नहीं होगा।